हेलो व्हाट्स अप ब्रो, ऐसे मजा नहीं आया तो अब आएगा मजा। तब का हाल चाल, ये हमारे वाला था। पहले वीडियो का ट्रेलर देख लीजिए, फिर कहानी को आरंभ करते हैं। योर वेट इज ओवर, नाउ इट्स टाइम टू एंजॉय दिस अमेजिंग जर्नी एंड फील द वाइब्स। तो थंबनेल और ट्रेलर देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये ब्लॉग कहाँ का होने वाला है। और एक बात बोलना था आपसे, इस वीडियो में बातें कम होंगी, सीन्स ज़्यादा दिखाएंगे। देखिए भाई लोग, हमारा ट्रेन ना थोड़ा लेट था, तो हम सोचे क्यों ना पटना के मेरीन ड्राइव का लुत्फ भी उठा लिया जाए। तो देखिए वहाँ का कुछ शॉट्स। तो अब चलते हैं रांची की ट्रेन में। ओह क्या नजारा है, हम लोग की 7 से 8 घंटे की पटना से रांची तक की सफर, इन पहाड़ों, इन नदियों और यहाँ की ठंडी ठंडी ताजी हवाओं को फील करते हुए कब गुजर गई पता ही नहीं चला। और फिर हमें दिखा द हेवन ऑफ झारखंड, बारसनाथ, जो कि बादल से पूरी तरह घिरा हुआ था। और वहाँ की खूबसूरती मतलब वो वाली थी। तो फाइनली हम लोग पहुँचे द सिटी ऑफ वाटरफॉल रांची में। और अभी रात हो गया था तो हम लोग थोड़ा सो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं सुबह में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, रांची में हमारा ये पहला दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ के वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने। बादल लोफी के गाना, वो भी कार में, तो ईयरफोन लगा लीजिए और फील कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक बात तो बताना भूलेंगे, इस सफर में हम मतलब मैं और राज के भैया इतने लोग हैं। तो चलिए चलते हैं वाटरफॉल एक्सप्लोर करने। चलते हैं, सबसे पहले कार पार्क करते हैं, फिर टिकट लेते हैं वाटरफॉल के लिए, फिर दिखाएंगे वहाँ का कुछ नज़ारा। हाँ तो हमने 25 रुपीज में टिकट ले लिया है और अब हम लोग एंटर कर गए जूना फॉल्स। सीढ़िया पे सीढ़िया चढ़ रहे हैं और ये जनाब आराम कर रहे हैं। बाप रे 390 सीढ़ी। फाइनली हम लोग आ गए वाटरफॉल के पास और यहाँ उल्टू मस्ती हो रहा है। Oh, what a beautiful view.
का आनंद उठा लिया था, तो अब क्या, अब चलना था नेक्स्ट वाटरफॉल में।